मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का आयोजन होने वाला है, जिसके तहत ऑडिशन शुरू हो गए हैं और इसमें लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देहरादून में ऑडिशन चल रहे हैं, ऑडिशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम के आयोजक देवयानी कक्कर ने बताया 30 शहरों में ऑडिशन हो रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली में फाइनल कार्यक्रम होगा। आपको बता दें इस कार्यक्रम में न्यूज वर्ल्ड मीडिया पार्टनर है। अभी तक हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो हमारे 30-40 रह चुके हैं और ये मिसेज इंडिया वर्ल्ड नेक्स्ट स्टार मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड इसका टाइटल है और इसमें आज हमने ऑडिशन रखा है देहरादून। इसकी हमारी 30 सिटीज इंडिया की इसमें ऑडिशन करेंगे हम लोग और वहाँ से पार्टिसिपेंट्स एक कलेक्ट करके फिर दिल्ली में इसका फिनाले करेंगे। मेन तो ये है कि इनकी जो महिलाएं हैं जो एक प्रतिभा उनकी उभर के सामने आती है कि अगर हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि इसमें आएं और अपनी प्रतिभा को उभारें और हमारे जो मेन जो सागर जी हैं वो उनमें और अच्छा डेवलप कर देते हैं, काफ़ी क्वालिटीज और भी प्लस हो जाती हैं। देखिए मुकाबला तो कड़ा ही रहेगा, बढ़िया है। इस जो इस शो का कॉन्सेप्ट है बेसिकली यूएसपी की है किचन टू रैंप। लेडीज को पहले हम समझते थे सिर्फ वो किचन तक ही सीमित है, घर तक सीमित है, बट माय प्रिविलेज इज टू गेट देम ऑन टू रैंप बिकॉज मैरिड वुमेन के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है और ये अपॉर्चुनिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि एटलीस्ट अगर हम दो मॉडल एक मॉडल इंडिया के लिए प्रोड्यूस कर देते हैं तो हमारा ये शो का जो कॉन्सेप्ट है सक्सेस हो जाता है बिकॉज मैरिड वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। देखिए मेहनत हार्डवर्क और पैशन कुछ भी काम करने के लिए बहुत जरूरी है एंड मुझे लगता है आफ्टर मैरिज जब आप मिसेज बन जाते हैं तब ये पैशन और हार्डवर्क और ज्यादा जरूरी हो जाता है बिकॉज आप एक मल्टीटास्कर बन जाते हैं। सो आई थिंक आपको जब सब कुछ सब सारी सिचुएशंस फेवर करती हैं एंड यू रोल ऑन टू दैट नेशनल स्टेज इट गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने आप को आप प्रूव कर सकें। देखिए जो हमारा जो हम बेसिकली हम पार्टनर हैं लोरा, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हमारे पास अपने सेल्फ प्रोडक्ट्स हैं जो हमने क्रिएट कर रहे हैं स्किन केयर के लिए, ब्यूटी केयर के लिए और हेल्थ केयर के लिए। देखिए डेवलपमेंट तो बहुत स्तर में होता है, अलग अलग स्तर में होता है। मेंटल स्तर में इसलिए हो जाता है क्योंकि उनमें एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है और आजकल की महिला जो है हर कोई अपनी एक अपनी आइडेंटिटी रखना चाहती है। मिसेज उत्तराखंड है लेकिन उसके साथ साथ उनकी अपनी एक और आइडेंटिटी है, उसको प्रूफ करने के लिए वो इसमें आना चाहती है। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा कदम है, इससे नारी शक्ति को अपना एक स्तर मिलता है अपने आप को आगे बढ़ाने का। मुझे इसके बारे में फेसबुक से पता चला और मुकाबला तो ऑब्वियसली कड़ा ही है क्योंकि अभी ये लोग जैसा कह रहे हैं 30 सिटीज में अगर एक एक भी लेडी हुई तो 30 लेडी ऑब्वियसली। अब वहां से